ये फ्रेम है, ये एनविल है, ये स्पिंडल है, ये थम नट है, ये बैरल है और ये थर्मल है। तो ये इतने तरीके से बना होता है। इसको अंदर खोलोगे तो एक स्पिंडल स्क्रू भी मिलेगा, वाइसर भी मिलेगा, बहुत सी चीजें अंदर मिलेगी। जब इसका माप लेते हैं तो ये टर-टर की आवाज करने लग जाता है, इस तरीके की आवाज करने लग जाता है। यानी कि पहले जब इसको बनाया था नट बोल्ट के सिद्धांत पे, जैसे नट बोल्ट होता है उसके सिद्धांत पे इसको बनाया था, तो ये रेचर स्टाफ नहीं था, रेचर स्टाफ नहीं था। तो अलग अलग आदमी जो है वो अलग अलग प्रेशर से दबाव देता था, तो इस कारण रीडिंग कैसे आती थी, अलग अलग रीडिंग आती थी। जब रेचर स्टाफ लगा दिया, जैसे ये आवाज करने लग गया समझ लो कि दबाव पूरा हो गया। और इसका अल्पक मांग या लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm, इंच में अलग होता है और एमएम में अलग होता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, यानी कि आपने स्केल से 5 mm नापा, आधा एमएम कम से कम, और इससे आपका मतलब सिर के बाल का साइज भी आप चेक कर सकते हो कि कितना है। तो ये काम कहां आता है आपको, जब आप पंखे की वायरिंग करते हो या मोटर वायरिंग करते हो या किसी वायर को लगाते हो, तब उस वायर की थिकनेस नापने के लिए आपको ये यूज करना पड़ता है। कारण कि जब आप पंखा मान लो 0.6 mm का वायर उसमें डाला हुआ है और आप 0.8 mm का वायर डालोगे तो वो हल्का सा स्प्लिट करेगा और जल जाएगा।